हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूर्वावलोकन सीरीज है भारतीय इतिहास का। पहले वीडियो इसमें मैंने बनाया था, तो आपको मैंने हड़प्पा सभ्यता और आपका पाषाण काल जो होता है और आपका वैदिक संस्कृति, इसमें बता दिया था कि आपके कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि महत्वपूर्ण है। बाकायदा आपको इसी चैनल पर आप लोगों के लिए सीरीज भी स्टार्ट की गई है, जिस पर आपको एंशेंट हिस्ट्री चैप्टर वाइज कंप्लीट कराया जा रहा है, जो कि RS शर्मा जो आपकी NCERT की बुक आती है उसके थ्रू कंप्लीट कराया जा रहा है, उस पर नोट्स बनाकर। ठीक है, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उस पर आप लोगों को बौद्ध धर्म तक मैंने कंप्लीट करा दिया गया है। यहाँ पर देखिए, बौद्ध धर्म की हम बात करने वाले हैं कि आपको कैसे क्या घटना चक्र से पूर्वावलोकन से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं, क्या इसमें महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें आपके बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा पहले आपके इंपॉर्टेंट है गौतम बुद्ध के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में आपके उनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, किस राजवंश से थी, किस कुल से आती थी और ख़ासकर उसमें ध्यान देना उनका पालन पोषण किसने किया था, और इनके जो जब इनका जन्म हुआ उस घटना को क्या कहा जाता है, गृह त्याग हुआ तो उस समय प्रतीक क्या था, ज्ञान जब प्राप्त हुआ तो उसे क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण था उसके प्रतीक आप भी आपको याद रखने हैं, और खासकर महाभिनिष्क्रमण क्या था, कब था, और धम्मचक्र का परिवर्तन क्या था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये ध्यान देना है इनके गुरुओं के नाम, इनके शिष्य कौन थे, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इन्होंने क्या क्या जानकारियाँ दी, 4 आर्य सत्य इनके क्या थे और अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या थे, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। और बौद्ध धर्म के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो आपको क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि बौद्ध धर्म कौन कौन से भाग में टूटा है। ठीक है, बौद्ध संगीतियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो बौद्ध संगीतियाँ हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनके अध्यक्ष शासक ये आपको याद होना चाहिए, कब हुआ था और किस जगह हुआ था, ये चीज़ भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो बौद्ध धर्म था हीनयान महायान में टूटा था, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो बौद्ध ग्रंथ है पता होना चाहिए, बौद्ध ग्रंथ को किसने लिखा है, जैसे आप देख सकते हैं मिलिंद पन्हों को नागसेन ने लिखा है, बुद्ध चरित सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण ये अश्वघोष ने लिखा है, इसके अलावा माध्यमिका करण ये आपके नागार्जुन जी ने लिखा है, तो आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, शून्य माध्यमिक जो आपका माध्यमिकवाद दिया था ये इन्होंने नागार्जुन ने दिया था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए, यहाँ पर भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, और इसमें कई चीज़ें हैं, आपको भावी बुद्ध किसे कहा जाता है, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें जो जो देखिए आपको शब्द इंपॉर्टेंट लगे उन्हें आपको याद रखना, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, इनको आपको 2-3 बार कम से कम रिवीजन करना है। इसके बाद देखिए, इस पे आपके लिए महत्वपूर्ण है इम्पॉर्टेंट स्थान, ये आपको ध्यान देना है, जैसे नालंदा महाविहार किसने बनवाया था और कहाँ स्थित है, चैत्य का शब्द कि मतलब क्या है और विहार का मतलब क्या है, स्तूप का मतलब क्या है, ये सब चीज़ें यदि आपको अच्छे से देखनी है इसमें तो लिखी है, लेकिन बाकायदा आपको नोट्स चाहिए हों आपको क्लास इसी में मिल जाएगी, इसी चैनल पर आप जाएंगे तो आपको एंशियंट हिस्ट्री की RS शर्मा की जो है मैंने कंप्लीट कराई हुई है बहुत अच्छे से, आप उसे पढ़ लेंगे तो आपके ये क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। इसको देखिए, इसमें हीनयान और महायान के अंतर दिए गए हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए प्रश्नकोश में, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रश्नकोश, आप देखेंगे इसमें लगभग आप इससे अंदाजा लगाएंगे कितने क्वेश्चन इससे अभी तक पूछे जा चुके हैं, और ये सब कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड भी हैं। ठीक है, अलग अलग एग्जाम में तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसमें आप देखेंगे कितने क्वेश्चन लगभग आए हैं, ये आप देख लीजिए 138 क्वेश्चन इसमें घटना चक्र में केवल दिए गए हैं। इसमें देखिए वनडे एग्जाम कवर नहीं किए जाते, वनडे एग्जाम कवर कर लेंगे तो और ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। सिविल सर्विसेज का बस है, देखिए MPPCS UPPCS MPPCS छत्तीसगढ़ PCS, तो आपको इससे अंदाजा होगा कि ये सब PCS लेवल के, और IAS में जो क्वेश्चन आते हैं इसमें IAS के भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, IAS प्रीमियम आए थे ये, किससे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है और इससे कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, और इसमें भी आपको ये ध्यान देना है, जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो इनके ये नहीं है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन रिपीट हो गया तो आपको उसे छोड़ना नहीं है, उसको आपको करना है, उससे आपका रिविजन होगा, तो आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए हम इसके बाद देख लेते हैं बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए। देखिए, अब आपका यहाँ से जैन धर्म आ गया, जैन धर्म में भी आपको 24 तीर्थंकर जो हैं, या देखिए प्रमुख तीर्थंकर दिए गए हैं, उनके प्रतीक चिन्ह ये आपको याद रख लेना है। सूर्य के 3 याद रख लीजिए, ऋषभदेह, अजितनाथ, शंभुनाथ, जैसे बैल, हाथी और अश्विन का है तीनों का। इसके बाद आपके लास्ट के 3 नेमिनाथ 22वें थे, पार्श्वनाथ 23वें और महावीर स्वामी जी 24वें थे। नेमिनाथ का शंख था, इनका सर्प फड़ था और इनका सिंह था, ये चीज़ आपको याद रखना है। इनके
बारे में जानकारी। ये भी याद रखना है, ऋषभदेव किस जिले में रहते थे, किस स्थान पर रहते थे, इनसे महत्वपूर्ण स्थान पार्श्वनाथ का कौन सा स्थान था, ये चीज़ भी आपको याद रखनी। इसमें सब लिखा हुआ है अच्छे से। बाकी आप यदि अच्छे से थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब में ही, तो आपको इसी चैनल में उनके वीडियो भी मिल जाएंगी। देखिए जैन धर्म में आपको सबसे पहले देखिए महावीर स्वामी जी के बारे में अच्छे जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा ऋषभदेव जी के बारे में, जो आपके ऋषभदेव जी थे, अजितनाथ जी थे, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब बाद में महावीर स्वामी जी का, जो जैसे हमने महात्मा बुद्ध का देखा, वैसे ही इनके पिता का नाम, माता का नाम और इनकी पत्नी का नाम और इनके पुत्री का नाम, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। इनके पहले शिष्य कौन बने, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। और इसमें देखिए इम्पोर्टेंट स्थान भी याद रखने हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इन्होंने क्या क्या जानकारियाँ दी हैं ये ध्यान देना है। त्रिरत्न के बारे में अच्छे से पढ़ना है आपको, जैसे इनमें देखिए संवर किसे कहते हैं, निर्जरा किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए। कथन में पूछ सकता है स्यादवाद किसे कहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी चीज़ें आपको ध्यान देना है, ठीक है। चार जो व्रत थे उनको ध्यान देना है, पांचवा व्रत महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था उसे भी आपको ध्यान देना है, ये सब चीज़ें, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर देखेंगे जो आपका जैन धर्म था वो भी आपके दो भागों में टूट गया था, आपको पता होगा श्वेतांबर और दिगंबर में, तो आपको इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जैन समितियाँ कहाँ कहाँ हुई थी, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैन समिति आपको पता होनी चाहिए, पहली आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी, दूसरी आपकी वल्लभी गुजरात में होती है, तो आपको इसके बारे में भी कौन अध्यक्ष था, कौन राजा था, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर सब लिखा हुआ सब याद देना है। जैन साहित्य के आगम की बात करें, जैन साहित्य को देखिए यहाँ पर आगम कहा जाता है, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। इसके अंतर्गत देखिए 12 अंग, इनको आपको ध्यान रखना है। अंग कितने थे, उपांग कितने हैं, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 2 चूलिका सूत्र, इनके बारे में आपको ध्यान देना है। 12 अंगों का उल्लेख किया गया है, कहाँ मिलता है, ये आपके जैन आगम में मिलता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। 12 अंगों में से एक एक उपांग ग्रंथ है, इनको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको जो आपको लगे कि महत्वपूर्ण है उन्हें आप याद, इनके देखिए नंबर तो आप याद रखने कि अंग कितने थे, उपांग कितने थे, प्रकीर्ण कितने थे, बाकी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि कितने ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। देखिए जो कम है उन्हें आपको याद रखना है, जैसे छेद सूत्र जो हैं ये 6 थे, तो इनको आपको याद रखना है कौन कौन से हैं। मूल सूत्र की संख्या 4 थी, ये आप देख सकते हैं, इन्हें आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए यह देख सकते हैं आप जैन ग्रंथ और उनके रचनाकार के बारे में आपको इम्पोर्टेंट है चीज़ आपको ध्यान देना है। मिलान करने में आ जाता है, कल्पसूत्र की रचना किसने की, स्यादवाद की रचना, न्यायवतार की, न्यायदीपिका की, चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट शासक जो हैं जो आपके जैन धर्म से संबंधित है वो आपको यहाँ पर देंगे, उनको याद करना है आपको। इसके बाद देखिए श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, अच्छे से आपको इसे तैयार करना है, ठीक है। इसको देखिए प्रश्न आ जाते हैं, अब प्रश्न में भी आपको मैंने जैसे आपको बौद्ध धर्म बताया, इसमें किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, रिपीट हो रहा है रिपीट होने दीजिए, उसे पढ़िए और उसे बिना देखिए, जैसे आप क्वेश्चन करें तो आप इसे पहले ढक लीजिए ताकि आपको दिखे नहीं, और अपने अटैम्प्ट करिए, ठीक है, यहाँ पर आंसर मत देखिए पहले, तो आपको इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मेरा क्वेश्चन सही हो रहा है। जब आपको 2-3 बार आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक ये जब आपको क्वेश्चन सामने आएगा तो आपको आंसर दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें भी लगभग आपके कितने क्वेश्चन हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके 58 क्वेश्चन है, तो आपको इनको भी अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी आपके, देखिए एंशियंट हिस्ट्री में जो अगर मैं बात करूँ सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से, तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यहाँ से तो 100% मिलेगा। बाकी देखिए वैदिक संस्कृति भी इम्पोर्टेंट है, और पषाण काल से सिर्फ और सिर्फ आपको स्थानों के नाम और किस वो राज्य से थे ये चीज़ आपको ध्यान देना है, और उन जगहों से क्या मिला है ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगली वीडियो में आपको दोस्तों आगे बताऊँगा कि आपके लिए और कौन कौन से टॉपिक जो हैं एंशियंट हिस्ट्री में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर कुछ सलाह दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिए, जिससे मुझे भी आगे पता चले कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।